मेरे साथ एक कोई लेडी है, मैं इस होटल में आता हूँ और हम आपसे आके बोलते हैं कि ये हमको एक रूम चाहिए। एक लोगों के मन में शंका होती है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है कपल्स आर वेलकम और कहीं कहीं पर नहीं लिखा रहता। उसको लेके मैंने यूट्यूब पर भी वीडियोस देखे हैं, किसी ने कुछ कहा इसका मतलब क्या होता है, किसी ने कुछ कहा इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली है क्या, कुछ होटल्स हैं जो मना कर देते हैं, नहीं हम आपको एक रूम नहीं, आपको दो अलग अलग रूम लेने पड़ेंगे, हम लेडीज को आपको एक साथ नहीं रख सकते। हम एडल्ट हैं और हम दोनों साथ में आए, हम एक ही जगह से हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और उस वो लेडी भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम रूम शेयर करें। जी जी। लेकिन होटल से ही बोला जाता है कि नहीं हम एक रूम आपको नहीं दे सकते, आप अलग अलग रूम लेना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ये चीज़ अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, आईडी कार्ड दीजिए, जाइए भैया 5 बजे निकल जाइए, 6 बजे जब आपको जाना है। ये कौन से टर्म्स कंडीशन, ये चीज़ जो आपके साथ कह रहे हैं कि इस तरह की बातें हैं, हमारे ख्याल से कहीं भी किसी भी होटल में इस तरह का रूल है नहीं। कैसा? अगर ये है कि कपल्स आर नॉट अलाउड, हाँ ये अगर रूल्स किसी होटल में है तो ये थोपा गया रूल है, क्योंकि आपका जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका कहता है कि आप बालिक हैं, आप साथ रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप मंजूर है, वो एक अलग मैटर नहीं, मतलब वो देखिए वो मैटर यही आता है, हाँ मैटर आता है शक, आप शक कर सकते हो कि आप कौन हो, आखिर बुनियाद तो वहीं पे है। लेकिन हम साथ में हैं, एक साथ हम मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं, वो अलग चीज, या मान लीजिए अगर हम अपने अपने सिस्टर के साथ भी आए तो भी, अब सिस्टर की शादी हो गई, उनका सरनेम चेंज हो गया तो उनको लगता है ये कोई दूसरी महिला है ना, तो फिर वहां भी क्वेश्चन होते हुआ ऐसा, मतलब हद हो गई, अपनी बेटी के साथ जब वो होटल में गए तो कहने लगे कि नहीं तो आपको अलग अलग रूम लेने पड़ेंगे, और इत्तेफाक से तब जब बेटी के पास आईडी कार्ड नहीं था, दिक्कत ये थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, हमारी गलती थी कि बिटिया के पास आईडी कार्ड नहीं था और वो मानने को तैयार नहीं थी कि हमारी बेटी है। हाँ, उस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? नहीं, उस कंडीशन में चूंकि आईडी तो होनी चाहिए, हाँ, आईडी होनी चाहिए होटल में, अगर विजिट कर रहे आप चले गए बिना आईडी के, भूल गए घर से, तब आप या तो बहुत से माध्यम है, ऑनलाइन आप मंगा लीजिए, मंगा लें, आईडी होना जरूरी है, ये आपके सेफ्टी के लिए है, न कि ये होटल के कंडीशन, मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये, कभी भी आप कहीं होटल में जाएं आईडी होना, अपने आईडी प्रूफ जरूर साथ में रखें, आप किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ना ये कोई मायने रखता है पूछना, लेकिन आईडी कार्ड रखिए, आप किसी होटल के रूम में एंटर करते हैं, चेक इन करते हैं तो आपके पास होटल में रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने एंटर किया। जी जी। और अगर आप बालिग हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आज भी इस प्रकार की स्थिति आती है कि सुनने में आता है कि अरे वो होटल में छापे पड़ते हैं, पुलिस वाले होटल में छापे पड़ते हैं, अगर पुलिस वालों को पता चल जाए कि वो कोई दो लड़का लड़की अंदर घुसे हैं, होटल में रुके हैं, और तो पुलिस वाले बिना मतलब परेशान करते हैं, इस प्रकार की भावना भी लोगों के मन में नहीं। ये उसी तरह के होटल में हो सकते हैं जहाँ पे सरकार दिए गए या स्थानीय पुलिस द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन न किया जाना किया जाता है, आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो फिर कोई सी भी छापा पड़े उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं भोपाल में रहता हूँ और भोपाल में हमारे ही दिल्ली से मिनिस्ट्री से एक कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट टूर पर गई हुई थी और उनके लिए हम लोगों ने भोपाल में एमपी नगर में एक होटल में, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनका अरेंजमेंट किया था। जब मैं उनको एयरपोर्ट से लेकर के उस होटल में छोड़ने गया तो मैंने उनसे कहा मैनेजर से कि मुझको आप होटल रूम दिखाइए जहाँ मैडम की हमने व्यवस्था करी है आपके, मेरे को रूम देखना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रूम में नहीं जा सकते क्योंकि वो रूम किसी लेडीज़ के लिए हैं और वो मैडम अंदर रहेगी, हम आपको रूम तक नहीं ले जाएंगे। तो क्या ये कोई अनिवार्यता है कि हाँ आप रूम में नहीं जा सकते अगर कोई लेडी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज हो कि कोई महिला जिसको मैं जानता हूँ, मेरी फ्रेंड है मान लीजिए, ठीक है, वो होटल में रुकी हुई है, मैं उनसे होटल में मिलने जाता हूँ, रिसेप्शन में जाके बोलता हूँ कि वो ऑफिसर या एनीबॉडी कोई मेरी फ्रेंड है वो वहाँ ठहरी हुई है, मेरे को उनसे मिलना है, तो क्या आप हमको उनके रूम तक जाने के लिए अलाउ करेंगे या फिर आप हमसे बोलेंगे नहीं आप बेटी में बैठिए, उनको यहीं बुला देता हूँ? नहीं, जैसे अगर आपके पास आईडी है ऊपर, सबसे पहले अलाउड करने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले जो रूम में गेस्ट स्टे है उनसे परमिशन लेनी होती है, उनसे हम परमिशन लेंगे कि ये पर्सन आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो जैसा जवाब होगा उस अनुसार से दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। अगर आप उनके रूम में जाते हैं तो आपके पास आईडी उस समय भी होना चाहिए, मतलब आप आईडी मांगेंगे उसका रिकॉर्ड बिल्कुल बोलेंगे कि आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए मिलने जा सकते, जा सकते, मतलब प्रूफ हो कि आप गए थे। हाँ जी, हाँ जी,
चलिए ये सब चीजें क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, तो वो हिचकते हैं पूछने में, हिचकते हैं, उनको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे, सामने वाला ऐसा सोचेगा, इसलिए पूछते नहीं है। तो ये सब चीजें नॉलेज में होना चाहिए जब आप होटल यूज करें। एक चीज और है कि विजिटर जो है ना एक टाइम तक होता है, ये नहीं कि आप रात में आए तो रात में लॉगिन कर लेंगे, एक निश्चित टाइम होता है, आप डे टाइम में आइए उस टाइम में विजिटर जा सकते हैं, किसी के रूम में जा सकते हैं, हो सकता है उसका बॉस और कलीग है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें मेरे को रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई इस टाइप की चीजें अभी भी ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में आज भी है जिन्होंने हकीकत में आज तक भी होटल यूज नहीं किया। बिल्कुल सही, होटल आए नहीं, उनको पता ही नहीं कि होटल के अंदर क्या होता है, कैसा होता है।